नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। बदलाव प्रकृति का नियम है और किन बदलाव को लाकर वर्तमान और भविष्य में हम उन्नत और प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा दे सकते हैं ताकि एक उज्ज्वल भविष्य निर्माण किया जा सके। आज इन्हीं सब बातों को जानने के लिए कुछ पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और अन्य जो व्यापारी गण भी है। आज इन्हीं से पूछेंगे किस प्रकार का बदलाव ये पिछले 5 साल में देख रहे हैं और किस प्रकार का बदलाव जो है वर्तमान स्थिति में बेहद जरूरी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तन्वीर इलाही है, महासचिव हूँ महानगर कांग्रेस मेरठ शहर में। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता के अलावा और कुछ नहीं हुआ। केवल सरकार ने सांप्रदायिकता की राजनीति करी। न यहाँ बेटियाँ सुरक्षित हैं, न यहाँ कोई माहौल सुरक्षित है। हर आदमी यहाँ पे भय का माहौल है, हर आदमी घबराया हुआ परेशान है। कानून व्यवस्था जीरो है। कई बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कई बेटियों में आग लगाई जा रही है, कई नौकरी मांगने वालों पर लाठीचार्ज हो रहा है और एक अल्पसंख्यक समुदाय को तो बिल्कुल ऐसा बनाकर रख दिया कि जैसे वो प्रदेश का नागरिक ही नहीं है। उसके अंदर तो अत्यंत भय का माहौल है अल्पसंख्यक समुदाय में। ये राज किसी को रास नहीं आ रहा। आज बजट आया, आप देख लीजिए, बिल्कुल नीरस बजट है। आम आदमी ये काम का नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए, सरकार ऐसी चाहिए। नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास ना करके एक समुदाय को तो बिल्कुल ये कर दिया कि तुम कुछ हो ही नहीं। तो उस चीज़ को ख़त्म करना है और सरकार बदलनी है अपनी। अच्छा, हम देखिए किसी राजनीति की बात नहीं करते, किसी पार्टी की बात नहीं करते, हम कहते हैं बदलाव। वो कोई भी पार्टी हो, बात करें अगर 2017 की, तो अगर वो जो सत्ता में थी जनता ने उसे क्यों बदला? बात कर रहे हैं बदलाव की, क्या बदलाव आप देख रहे हैं और क्या बदलाव भविष्य में होना चाहिए? देखिए, जो 2017 में थी उसमें कम से कम ये तो था कि सब लोग निश्चिंत होकर रह रहे थे, अपने कामों में लगे हुए थे। लेकिन 2017 के बाद जो सरकार आई, भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर आई, सबका साथ सबका विकास के नाम पर आई, लेकिन जो वादे करके आए उस बारे में कुछ नहीं करा सरकार ने पूरे 5 साल में। हमारे हिसाब से तो सरकार फेल है। अच्छा, अगर आपकी महंगाई की आप बात कर रहे हैं, महंगाई को लेकर आज की डेट में जो जनता परेशान है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और जो वर्तमान में सरकार बनने जा रही है? भैया, जनता ने हर स्टेज पे जनता ने महंगाई का विरोध करा, चाहे वो सड़कों पे क्या हो, मीडिया के थ्रू क्या हो, नेताओं ने क्या हो, जनता ने क्या हो, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। उसका सबूत है जो आज बजट आया है। महंगाई जस की तस है। पेट्रोल ले लीजिए आप, खाने का तेल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, गैस सिलेंडर ले लीजिए, जो आम आदमी को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं वो सब इतनी महंगी हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया बजट। चलिए, और साथी भी हमारे साथ हैं, बात कर लेते। क्या नाम है भाई साहब आपका? पवन किशोर। पवन जी, क्या करते हैं आप? मैं दस्तावेज लेखक हूँ। चलिए, अगर बात कर लें पिछले 5 साल की, तो उत्तर प्रदेश में आप कितना बदलाव देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा हुआ है जातिवाद, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई चरम पर है, और शिक्षा की अगर हम बात करें तो जो गरीब तबके का इंसान है, गरीब परिवार हैं, उनके बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाल ली है कि जिसके 60% मार्क्स होंगे उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। 60% मार्क्स वही ला सकता है जो बच्चा घर से संपन्न हो और उसको ट्यूशन वगैरह मिलते हो। जो मजदूर आदमी है वो उसका पिता उसे ट्यूशन अफोर्ड नहीं करा सकता, तो वो उसकी शिक्षा पढ़ाई की आप बात कर रहे हैं, तो जो देश के हमारे महापुरुष हैं, अगर बाबा साहब की हम बात करें, तो उनके पास ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं थे। बात बदलाव की जा रही है। अगर जिसको बदलाव लाना है वो खुद से लाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछले 5 साल में आप कितना बदलाव देख रहे हैं और किस समस्या को? मैं आपको यही बदलाव बता रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ने वाले थे ना, जो घर वालों से रिक्वेस्ट करके के पढ़ा दो कुछ कर लेंगे, वो घर बैठ गए हैं क्योंकि स्कॉलरशिप उनकी बंद हो गई है। वो घर वाले 50-60 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये फीस जमा नहीं कर सकते, घर बैठ गए हैं। ये और इससे बड़ा बदलाव और क्या होगा? शिक्षा क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जो जनता के लिए सबसे जरूरी है, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार,
ये तीनों चीज जरूरी है। जब तक ये नहीं मिलेगी जनता को, जनता का कुछ विकास नहीं होगा। और भी साथी हमारे साथ है, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संजय कटारिया। कटारिया जी, क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में कितना फर्क आया है उत्तर प्रदेश में, और जो धर्म और राजनीति की चल रही है, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जो बदलाव आया, पहले तो ये है कि ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी पूरी झूठ बोलकर आई थी। राम मंदिर के नाम पर ये सरकार आई, धर्म के नाम पर ये सरकार आई है, लेकिन धर्म के नाम पर ही आपस में लोगों को लड़ाया जाता है, जाति के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है। ये योगी सरकार थी जो हाथरस में क्या नाम एक दलित बच्ची को जलाया गया रात के अंधेरे में, उसकी बॉडी भी उनके क्या नाम घर वालों को नहीं दी गई, और उसके जो दोषी थे उन्हें भी क्या नाम जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा उन्हें भी नहीं मिली। रोजगार की हालत इस कदर है कि आज हमारा नौजवान बार बार फार्म भरता है और बार बार पेपर आउट कर दिए जाते हैं। ये सरकार की साजिश है, ये कोई नहीं है, ये सिर्फ रोजगार बेरोजगारी बढ़ाने का वो है ताकि बेकार हो जाए ज्यादा से ज्यादा और उनके ऊपर डिपेंड है। लोग ये चाहते हैं कि वो मंदिर के बाहर बैठे और भीख मांगे, कभी पकौड़ों की बात की जाती है, कभी किस चीज की बात रहती है, लेकिन रोजगार देने की कोई बात नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में बात की गई थी चिकित्सा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, वो कहीं ना कहीं बेमानी साबित हो रही है? बिल्कुल बेमानी साबित हो रही है। ये हमारा मूलभूत अधिकार है, शिक्षा, खाना सभी को, और चिकित्सा। चिकित्सा की हालत आप देख लीजिए किस प्रकार कोविड के समय में सारी पोल खुली है सरकार की, सारी शिक्षक हो उसमें या किसी भी स्तर का वो गया हो उसे कोई चिकित्सा नहीं मिली। कोविड में इतनी ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है, उनकी लाशों को भी क्या नाम इन्होंने इस तरह से ठिकाने लगा दिया जैसे क्या नाम उनका कोई वारिस ही ना हो। ये सरकार हर मोर्चे पे बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। चलिए, और साथी भी हमारे साथ है, क्या नाम है भाई साहब आपका? रॉबिन नाथ गोलू भाई। गोलू जी, बात करें उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव आप देख रहे हैं और क्या समस्या थी जो जस की तरह से अब तक? वर्तमान की बात करूं तो आने वाली 10 तारीख को जो चुनाव होंगे वो इस सरकार, पहला चरण जो होगा इस सरकार की ताबूत में कील ठोकने का होगा। जो इनकी आंखों में चर्बी चढ़ गई थी वो उतारने का काम होगा। इस सरकार ने जिस प्रकार से इस समाज के लोगों को बांटने का काम करा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे काम करा है, चर्च गुरुद्वारे के नाम पे काम करा है, आज देश की जनता समझ चुकी है। और अब सब लोग जात बिरादरी से उठ करके इस सरकार के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। ये योगी जी अच्छे नहीं लग रहे, अब ये मट में ही अच्छे लगेंगे। अच्छा, बढ़ती महंगाई की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, क्या क्या बदलाव देखा आपने उत्तर प्रदेश में 5 सालों में? कोई ऐसा देखा आपको कि हाँ बढ़िया काम हुआ है? हाँ, बदलाव ये देखा कि जितने भी अल्पसंख्यक संस्थान है उन्हें छीनने का काम करा, इन्होंने लूटने का काम करा, इन्होंने डकैती डाली। ईसाई समाज के चाहे स्कूल हो और चाहे उनकी कोई भी चैरिटी हो, उन्हें इन्होंने कब्जा करने का प्रयास करा, उन्हें बंद करने का प्रयास करा। और जो हमें संविधान में आर्टिकल 125 में हमें हर जगह प्रार्थना और अपना अधिकार है दुआ बंदगी करने का, वो छीनने का काम करा। ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये नहीं चाहते इस देश के अंदर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान चले। ये मनुस्मृति के लोग बाग हैं, मनुस्मृति इस देश में चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्हें दलित का बच्चा, गरीब का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, इन्हें अच्छा नहीं लगता कलेक्टर बनता हुआ, इन्हें अच्छा नहीं लगता कि किसी दलित का बच्चा DM बन जाए, SSP बन जाए। ये यही चाहते हैं जो अब से 70 साल पहले, 90 साल पहले जो दलितों की स्थिति थी, जो पिछड़ों की स्थिति थी, ये वही चाहते हैं कि वहीं आ जाएं। इसीलिए आज के टाइम में इन्होंने जो शिक्षा है, शिक्षा के अंदर पूरी भगवा प्रणाली लागू कर दी है, चिकित्सा खत्म कर दी है, रोजगार खत्म कर दिया है। जब तक मेरा रोजगार नहीं होगा मैं अपने बच्चों का पालन पोषण या अपने परिवार का कैसे करूंगा? एक बात कहिए कि खाली पेट भजन ना हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी और ये लो अपनी माला। भगवान का भजन भी जब करा जाता है जब पेट भरा हो, खाली पेट भजन नहीं करा जाता। ये मंदिर बना रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई, मंदिर बनने चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, 80% से ज्यादा हिंदू समाज यहाँ रहते हैं, पर जिस प्रकार से मंदिरों में
इनसे ये पूछो ना कितने दलितों को इन्होंने जगा दी, कितने पिछड़ों को इन्होंने जगा दी, सारे कब्जे ऑडिट मंदिर का नहीं होगा, मस्जिद के चंदे का ऑडिट होगा, मंदिर के चंदे का ऑडिट नहीं होगा, चर्च के चंदे का ऑडिट होगा, गुरुद्वारे के चंदे का ऑडिट होगा। ये डकैती डालने वाली सरकार है और इस देश को बर्बादी की राह पे ले जाने वाली सरकार है। ये बदलाव की लहर है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगले महीने की 10 तारीख को तो कील ठोकने का काम चालू होगा और अगले 10 महीने की तारीख को ये जो है मठ में जाके बैठेंगे, और मैं तो ये चाहता हूँ ये मठ में भी ना बैठे। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, और लोग भी हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? चंचल मलिक। मलिक साहब, क्या फर्क लग रहा है पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में आपको? 5 साल में उत्तर प्रदेश बर्बादी के कागार पर आ गया है। एक भी काम योगी जी ने कोई ना, तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई काम किया, कोई यहाँ की सड़कें देख लो, यहाँ की एजुकेशन देख लो, यहाँ का किसी प्रकार का कोई एक मुझे पांच उपलब्धियां आज मुझे सरकार की बता दीजिए, सरकार ने क्या 5 काम किए? सरकार ने हिंदू मुस्लिम केवल 2 मुद्दे रखे, लोगों को भटका के रखा, बस सुबह टीवी पर आ जाना, शाम को टीवी पर आ जाना, बनू का हिंदू मुस्लिम। एक मंदिर का निर्माण किया, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने मंदिर बनाया, अगर वो विवादित जमीन थी उस पर सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी बनाते, हॉस्पिटल बनाते, एम्स बनाते, जहाँ हर बिरादरी को, वहाँ पे हिंदू को भी इलाज मिलता और मुस्लिम को भी इलाज मिलता, और दूसरी चीज एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है कि हर बिरादरी के लोग को वहाँ पढ़ने को एजुकेशन मिलती, और मेरी नज़र में तो कोई काम ऐसा है नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देश का किसान 1.5 साल उस पर बैठा रहा, आपका गाजीपुर बॉर्डर पे, तमाम बॉर्डर पे बैठा रहा, एक दिन सरकार ने आके किसान से ये नहीं पूछी कि तुम्हारी समस्या क्या है। आज उन्हें मोदी जी ने अभी 253 बताया कि 253 किसान या कुछ लोग बुलाए थे, बोला भाई मैं लोगों से मिलने के लिए आया, जब 1.5 साल वे वहां रहे तो 1.5 साल मोदी जी क्यों नहीं आए? तो जनता ने तो बिल्कुल इन्हें नकार दिया, इन्होंने जनता का कोई भी काम नहीं किया है किसी भी प्रकार का, जनता ने इन्हें नकार दिया। 10 तारीख में बदलाव होगा। चलिए, और भी साथी हमारे साथ है, क्या लगता है कितना बदलाव होता है प्रदेश में 5 साल? सर, मैं रविंद्र सिंह, महामंत्री स्पोर्ट गुड व्यापार से। सर, पिछले 5 सालों में बदलाव तो नहीं हुआ, अभी जो इन्होंने बजट भी दिया है वो कह रहे हैं कि भविष्य की नींव है। सर, वर्तमान को बर्बाद करके भविष्य की नींव नहीं रखी जा सकती। जब आज इस समय कोरोना काल के बाद से पूरा देश जो है पीड़ित है, व्यापार पीड़ित है, शिक्षा पीड़ित है, युवा हमारा पीड़ित है, रोजगार नहीं है, उसके बाद आप भविष्य की बात कैसे कर सकते हो? देश का भविष्य तो युवा होते हैं, जब युवाओं के पास रोजगार ही नहीं है तो भविष्य का निर्माण कैसे होगा? पिछले 2 साल से जो है युवा हुए, बच्चे हुए, स्कूल कॉलेज बंद है, शिक्षा का जितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसका आंकलन भी नहीं किया जा सकता, ना ही उसे जो है किसी उसमें बांधा जा सकता। आप ये देखिए, इस समय यूपी के अंदर जो पिछले 5 साल हैं उसमें अगर बात सिर्फ हुई है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, कहीं अब्बा जान कहीं अम्मी जान, ये सब जान वान की बात करके ये लोगों को भ्रामक किया जाता है, कारण क्या? वोट बैंक पे डाका डालने के लिए। सर, ऐसा आप देखिए कि ये जो काम आज हो रहा है, जय श्री राम के नारे लगाकर एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी जाती है बुलंदशहर के अंदर, वो भी हिंदू ही था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। आतंकवाद वही नहीं है जो सीमा पार से कंधे पे बंदूक लिए हुए आतंकी आता है, वही आतंकी होता है, आतंकी वो भी है जो आप अभी अपने पड़ोसी की, अपने देश के अंदर किसी भी नागरिक की जो है आप उसको जो अधिकार मिले उनका हनन होता है, वो भी आतंकवाद है। क्या आज जो आप वो नारे वहाँ लगते थे, ये जय श्री राम के नारे लगा के लोगों की हत्या कर दी जाती है, लूटपाट कर दी जाती है, एक मतलब ये मान लीजिए प्रशासन के ऊपर तक हमला किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ? कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। आप देखिए, आज भी महिला अपराधों में यूपी नंबर 1 है, और अभी आपके पीछे आपकी घटना हुई है, बनारस की घटना है, आजमगढ़ की घटना है, हाथरस की घटना हुई, मेरठ की घटना हुई, वहाँ दलित जो बच्चियाँ थी उनके साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई है। अभी एक जो आपकी हाथरस की घटना है कि बड़ा मुद्दा था एक, लेकिन उसमें योगी जी की सहजातीय लोगों का नाम था, इसलिए उस मुद्दे को जो है दबा दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि आज तक जब भी सरकारी जो भी रही है, अगर कोई पीड़ित है तो उससे मिलने के लिए सरकारी प्रतिनिधि उनके पास पहुंचते हैं, सरकार उनके पास पहुंचती है, मंत्री उनके पास पहुंचते हैं, सीएम उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन ये पहली सरकार है जहां उनको उठाकर लखनऊ बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपको कहीं ना कहीं देखा गया है जो व्यापारी है वो टैक्स देता है, है ना, उसके बावजूद भी मतलब सरकार से नाराज है, क्या मतलब क्या चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, नाराजगी है, सरकार
को टैक्स तो व्यापारी पूरा दे रहा है, लेकिन सरकार उनके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है। अभी आप देखिए एमएसएमई सेक्टर के अंदर 3,20,000 करोड़ का ऋण का प्रावधान जो है कोरोना काल के अंदर रखा गया सरकार द्वारा, लेकिन उसका 30% भी व्यापारियों ने नहीं लिया, क्योंकि व्यापारियों के लिए वो सुविधा ही नहीं है। जब वो फील्ड तैयार नहीं हो रहा, टोटल ये मान लीजिए व्यापार जो है मंदी की तरफ जा रहा है, तो वो कैसे उस ऋण को चुका पाएगा। दूसरे उसको कहा गया है कोरोना काल का जो है राहत पैकेज है, लेकिन उसके अंदर आप देखिए 7% के करीब जो है ब्याज ले रहा है आपका, 7% ब्याज जो ले रहा है वो बैंक ले रहा है, उसके बावजूद उस दो गारंटर उसके अंदर चाहिए और फिर 0.5% जो है स्टाम्प आउट ड्यूटी आपके बोले, तो किस तरह का राहत पैकेज है। ये सिर्फ भ्रामक प्रचार है हमारी देश की सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकार द्वारा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जातिवाद और धर्म के नाम पर लोगों को भिड़ाने का कार्य कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। और भी साथी हमारे साथ हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं हम? बदलाव ये है कि पिछले 7 साल में भाजपा सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करा गया, और इसका आने वाली 10 मार्च को जनता ने सब अपना मन बना चुकी है और वो 10 मार्च को बदलाव देगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग के लोग, राजनीतिक लोग, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो वादे किए थे सरकार ने वो कहीं ना कहीं झूठे साबित हुए हैं। जाति धर्म के नाम पर अब भी राजनीति चल रही है, जबकि उन्नति और विकास का दामन जो है सरकार ने बहुत पीछे छोड़ दिया। हम यही कहेंगे, सरकार कोई भी आए लेकिन वो भविष्य को देखते हुए महंगाई पर रोक लगाए और युवाओं को नौकरी जरूर दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आई पकड़े मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।